किशनलाल सैनी प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू। मुझे जब यह पता चला कि हमारा प्रिय छात्र गौरव बुरानिया पहले आरएएस और बाद में आईएएस में जैसे ही उसने 13वीं रैंक प्राप्त करके और हमारे पूरे आदर्श विद्या मंदिर परिवार और हमारे इस क्षेत्र चूरू के लिए इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। और भैया गौरव यहाँ का प्रारंभिक छात्र ऐसा रहा है जिसने पढ़ाई को कभी बोझ नहीं समझा, मौज मस्ती और आनंद के साथ यह पढ़ता रहा। आदर्श विद्या मंदिर जो संस्था है यह विद्या भारती का एक अनुष्ठान है जहाँ के छात्र अपने संस्कार के लिए, अनुशासन के लिए देश भर में वो पहचाने जाते हैं। यहाँ के छात्र आज वर्तमान में प्रशासनिक सेवाओं में, मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में और अन्य जितने भी हमारे सेवा के क्षेत्र हैं, भले वो व्यवसाय हो, भले वो बैंक हो, उनमें सब बहुत ही और अपने प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। हमारे बालक राष्ट्र निर्माण के कार्य में अग्रणी रहते हैं। मैं गौरव के लिए और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही मैं गौरव के ताऊ जी सरवण कुमार जी, जो हमारे बहुत ही अच्छे अभिभावक थे, वो कोरोना काल में हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमारे गौरव ने उनको वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मैं गौरव के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ हम आदर्श विद्या मंदिर के जो परिवार के लोग हैं वो गौरव जैसे होनहार बालकों का और मार्गदर्शन करेंगे और गौरव हमारे पूरे परिवार के लिए, उसके गौरव के लिए और उसके उज्जवल और भविष्य के लिए उस क्षेत्र के अंदर जो है वो सहयोग करेंगे। मैं पुनः गौरव और गौरव के पूरे परिवार को, बुरानिया परिवार को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आशा करता हूँ आदर्श विद्या मंदिर के ये होना छात्र राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। पतंजलि संस्थान की तरफ से आपको और गौरव बुरानिया जी के परिवार को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। गौरव बुरानिया जी से संबंधित कुछ, उनके व्यक्तित्व से संबंधित, उनकी पढ़ाई से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे, तो हमें थोड़ा सा आप उनके प्रारंभिक पढ़ाई के बारे में, उनका जो जीवन है उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं गौरव के विषय में ये बता सकता हूँ कि गौरव अपने बड़े भाई बहनों के साथ इस विद्यालय में प्रारंभ से पढ़ा। वो बहुत ही मस्त और यूं कहें अपने आनंद में रहने वाला बालक था। कभी भी उसने पढ़ाई को ज़्यादा बोझ नहीं समझा और बहुत मिलजुल करके और सबके साथ मित्रवत व्यवहार करता था, अपने गुरुओं का खूब सम्मान करता था और हम सबका प्रिय था वो। गौरव की सादगी और सरलता, वो जब वो छोटा था तभी झलकती थी और आज भी मैं ऐसा ही महसूस करता हूँ कि गौरव जैसा सादगी और सरल स्वभाव का बालक आगे जाकर के निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और यह गौरव की खास बात जो है वो हमारे सबको, मन को बहुत भाती थी, अच्छी लगती थी। गौरव जी पढ़ाई में
पढ़ाई में ज्यादा होशियार थे या फिर और भी जो अन्य प्रतिभाएं होती है उनमें भी वो भाग लेते थे? आदर्श विद्या मंदिर की एक खास बात है कि यहाँ पर शारीरिक, सांस्कृतिक और विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां वो होती हैं। गौरव सभी प्रतियोगिता में, सभी इस प्रकार के कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका में रहता था और सभी जो हमारे विद्यालय की सह शैक्षिक गतिविधियां उनमें भाग लेता था। यह क्योंकि वह यहाँ पर 8वीं क्लास तक अर्थात तो उच्च प्राथमिक शिक्षा तक पढ़ा, लेकिन वो सभी एक्टिविटी में भाग लेता था। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले ज्यादातर बच्चों का ये माइंडसेट होता है या उनके मन में ऐसे विचार होते हैं कि जो ग्रामीण प्रतिभा के बच्चे होते हैं वो सिविल सेवा में नहीं जा सकते। कारण ये होता है कि संसाधन नहीं है, उनके नजदीक में कोई अच्छी कोचिंग संस्थान नहीं है, पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर होती है। अगर ये चीजें गौरव से जुड़ी हुई है या आपके अन्य विद्यार्थी जो सिविल सेवा में गए हैं तो आप इनको बाधाओं के रूप में देखते हैं या एक मार्ग के रूप में हम इनको ले सकते हैं? यानी इस तरह अगर हमारे जीवन में ऐसी पृष्ठभूमि से मारते हैं तो किस तरीके से रास्ता अपना करके हम सिविल सेवा में जा सकते हैं? ये आपका कहना ठीक है, परंतु परम सौभाग्य मानिए कि गौरव के ताऊजी और पिताजी दोनों के संपर्क में बराबर हूँ मैं वर्षों से। ये लोग पहले से ही बहुत इस विषय को थोड़ा स्पष्टता थी उनके दिमाग में, अपने बच्चों को इन्होंने खूब सही दिशा में मार्गदर्शन किया और मैं सोचता हूँ अपने माता पिता और खास करके पिताजी और ताऊजी के मार्गदर्शन का लाभ गौरव को मिला ही है। इसके साथ साथ जहाँ तक ग्रामीण पृष्ठभूमि का सवाल है, मानते हैं कि इनके मूल रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है, परंतु ये बहुत ही होनहार और बहुत ही परिश्रमी बालकों में से हैं। इसलिए परिश्रम के कारण ही और लगातार प्रयत्न के कारण यह हमारा जो छात्र है वो इसने इतनी ऊंचे स्तर की रैंक प्राप्त की है। हालांकि उसमें जो है सामान्य अंकों से कोई भी मान लो बच्चा जो है वो निकल सकता है, लेकिन इतनी ऊंची हाई लेवल की रैंक प्राप्त करना यह एक गौरव के लिए विशेष बात रही कि गौरव ने बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है और हम सबका नाम और मान बढ़ाया है। एक जैसे कोई भी विद्यार्थी हो, प्रतिभावान विद्यार्थी जो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, सिविल सर्विस बनता है, उसकी प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि तैयार होती है वो उसके स्कूली जीवन में तैयार होती है और आप स्कूली जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। आने वाले भविष्य में आप ऐसे प्रतिभावान जो छात्र निकलेंगे उनके लिए क्या रणनीति बना रहे हैं ताकि आपकी सेवा का मौका उनको मिले और वो आगे जाकर के राष्ट्र निर्माण में अच्छी भूमिका निभाएं? मूल रूप से हम देखते हैं कि छात्र जो हैं जब वो अध्ययन करते हैं तो जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो थोड़ा पथ भ्रमित होने लगते हैं, या यूं कहे कि आजकल के कुछ वातावरण में उनके संस्कारों का जो पक्ष है वो कभी कभी कमजोर पड़ने लगता है और उसी के परिणाम प्रतिभाशाली छात्र भी भटक जाते हैं। हमारा यह आदर्श विद्या मंदिर का पूरा प्रयत्न रहता है कि यहाँ का प्रतिभाशाली बालक सही दिशा में आगे बढ़े, इसलिए उसको हम बहुत यहाँ संस्कार पक्ष जो है उसका मजबूत करते हैं, उसका आधार बहुत मजबूत करते हैं। इसके अलावा उसका जैसे लेखन कार्य है, उसकी जो समझ है उसको विकसित करने के लिए हम बहुत अधिक उसको अभ्यास भी कराते हैं और हमारी जो नित्य की जो प्रार्थना है लगभग 35 मिनट की, उस प्रार्थना सभा में बालों को हम संस्कारों की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं और व्यायाम और शरीर उसका मजबूत रहे, मस्तिष्क उसका मजबूत रहे, उसका मस्तिष्क जो है वो इस प्रकार का हो कि वो भटके नहीं, आखिर तक वो सही दिशा में वो लक्ष्य की ओर बढ़े, इसी ओर हम प्रयत्न करके बालक को समझा करके और आगे उसकी समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात है गुरु जी, आपका शिष्य गौरव पुरानिया जिसकी सबसे प्रतिष्ठित सेवा में IAS में सेलेक्ट हुआ है, आप भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, पूरा चूरू जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है, साथ साथ गौरव जी को राजस्थान का पैदल मिला है, वो इसी प्रदेश में रहकर की सेवा करेगा, आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? मैं गौरव से यही अपेक्षा करूंगा कि वो अपने जैसे कई गौरव निर्माण हो, इसके लिए वो हमेशा जहाँ भी वो कलेक्टर बन के रहे अपने जो भी विद्यालय हैं वहाँ पर जरूर अपना और समय दे करके और
जरूर मोटिवेशन बच्चों को करते रहें, और इसी मोटिवेशन को हम कल से ही सुबह गौरव के अभिनंदन के साथ बच्चों के साथ करवाना प्रारंभ करेंगे। गौरव से यही अपेक्षा है कि वो बच्चों को प्रेरणा देवे और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। धन्यवाद सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास गोपालपुरा बाईपास जयपुर। कॉल करें 7240672406।